मैं प्रदेश अध्यक्ष किन्नर समाज इकबाल भाई हूँ, उत्तर प्रदेश की, और मैं मिली, उन्होंने तो अच्छा अच्छा आश्वासन दिया। और मैं ये कहती हूँ कि जब ये गठन बनाया तो इस गठन की सारी जितनी अवगत है उसको पूरी कराना चाहिए, और ये कुछ अधिकारी हैं जो इस गठन को एक जैसे किन्नर थर्ड क्वालिटी की रूप में ये यूज़ करते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये एक मेरा संदेश जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बनाया है सोनम चिश्ती किन्नर को महामंत्री, तो उसमें तो सारे जितनी उसमें वो है तो उतना तो उसको मिलना चाहिए, ना कि मुझे एक रूप जो था मेरा किन्नर समाज में। अभी तक मैं उनकी आभारी हूँ जो उन्होंने किन्नर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उन्होंने बनाया, मैं उनकी आभारी हूँ। मैं किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी किन्नर समाज है और जितने मुख्यमंत्री हमारे और जो प्रधानमंत्री जी ने ये सारे और क्या बोलते हैं जो भी बोर्ड बनाया हम लोगों को, तो हमारा पूरा समाज जितना समाज है और जितने कार्य हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के, तो हमारे मुख्यमंत्री जी सोनम चिश्ती को दिए जाएं, और वो सारी क्या बोलते हैं ये देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश को। मैं ये कहना चाहती हूँ। और मैं राजभवन हमारी किन्नर डेलीगेशन के साथ आई हूँ, महामहिम जी को धन्यवाद देने आई हूँ, और उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की जो गठन हुई है उसमें कुछ अधिकारी लोग लापरवाही बहुत बरत रहे हैं, और संवैधानिक पीठ के अंदर जो है जो जिम्मेदारी देनी चाहिए, जो दायित्व देनी चाहिए, उसके ये फाइल जो हैं रोक दे रहे हैं। और हमने जो है कई बार जो उपाध्यक्ष का जो पद होता है जो क्या दायित्व दिए हैं, तो समाज कल्याण में अधिकारी हैं कुछ जो किन्नर के प्रति उनका रवैया सही नहीं है, और उनको ऐसा लगता है जो यह बोर्ड जो है एक झुनझुना के रूप में काम करे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश किन्नर समाज के लिए सशक्त बोर्ड बनाने का काम किया। इसमें 23 सदस्य हैं और जिला लेवल पे डीएम इसकी अध्यक्षता करेंगे, कमिश्नर, और जहां कमिश्नर जी वहाँ कमिश्नर सदस्य हैं, और जनपदों में पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य हैं, परंतु समाज कल्याण विभाग के लखनऊ में कुछ शासन में अधिकारी बैठे हैं जो उनकी रवैया से संतुष्ट नहीं होने के कारण से हमने महामहिम जी को अवगत कराए हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी क्या आश्वासन दिया गवर्नर साहब ने? जी आश्वासन दिया है जो पूरा सम्मान और पूरी दायित्व मिलना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हम ये बात को हमारी माननीय अध्यक्षा जी के नेतृत्व में ले जाएंगे, और उन अधिकारियों को सस्पेंड करें जो बहुत दिनों से जमे हुए हैं और इस बोर्ड को झुनझुना बना के रखना चाहते हैं, और जो लापरवाही जिला अधिकारी हैं हम लोगों के प्रति जिनकी रवैया सही नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का अवहेलना जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, अन्यथा हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय हम जाएंगे। माननीय महामहिम जी को इस बात को हमने अवगत कराने आए हैं, हमारे सभी किन्नर डेलीगेशन आए हैं, और किन्नर कल्याण की योजना के लिए हम लोग ने मांग रखने आए हैं। यह संवैधानिक बोर्ड है कि असंवैधानिक बोर्ड है, इसका क्या दर्जा है ये भी घोषित नहीं किए, अधिकारी फाइल को रोके हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक फाइल को नहीं ले गए, जबकि अधिकारी लोग जो हैं जो समाज कल्याण के कुछ उप डायरेक्टर हैं और कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो इस किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन की जो प्रक्रिया चलाएं, फाइल ना कैबिनेट में गई ना कुछ भी गई, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नॉमिनेट कर दिए, सदस्य भी बना दिए, अभी तक भत्ता नहीं मिला जो हम लोगों की मानदेय होता है, 5 महीने से हमारे स्टाफों के वेतन रुके हुए हैं, बहुत सी समस्या है, ये सब चीज़ों को हमने अवगत कराएं, और ये जल्दी नहीं पूरा करेंगे तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, और सर्वोच्च न्यायालय जाके
इन अधिकारियों पे हम निवेदन करेंगे, इन अधिकारियों को हम बर्खास्त कराएंगे। संघर्ष करूंगी मैं और संघर्ष करूंगी और इन अन्यायों के खिलाफ हम न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी और ऐसे दोषियों अधिकारी को जो इस बोर्ड को हल्के में आंकने का काम करने किन्नर हैं, तो इस भारत के हम भी नागरिक हैं, हमारा भी मौलिक अधिकार है इस भारत में, इस भारत भूमि में, इस भारत माम के जीवन काल में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पे